भरतपुर से बड़ी खबर, जहां पर सहगांव में दो समुदायों में विवाद। गांव के एक समुदाय ने गांव से किया पलायन। सैकड़ों की संख्या में महिला, बच्चों और पुरुषों ने पलायन किया है। हाथों में नारे लिखी तख्ती लेकर पैदल जिला कलेक्ट्रेट की ओर पलायन किया गया है। एडिशनल SP चंद्र प्रकाश, CO सिटी सहित उनके अधिकारी कर रहे हैं समझाइश के प्रयास। ये बड़ी खबर इस वक्त की। बड़ी खबर, सैकड़ों की संख्या में पलायन जो है वो गांव से किया गया है। सहगांव में दो समुदाय में विवाद के बाद गांव के एक समुदाय ने गांव से पलायन कर दिया। सैकड़ों की संख्या में महिला और बच्चे और पुरुषों ने यहां से पलायन किया है। हाथों में नारे लिखी हुई तख्तियां हैं, इसे लेकर पैदल की जो है यहां से पलायन किया जा रहा है। जिला कलेक्ट्रेट की ओर से पलायन किया गया है। एडिशनल SP चंद्र प्रकाश, CO सिटी सहित अनेक अधिकारी यहां पर समझाइश के प्रयास कर रहे हैं। देवेंद्र जुड़ रहे हैं खबर पर जानकारी के साथ, जीवीरिया संवाददाता। देवेंद्र, क्यों ये पूरा विवाद हुआ, क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए सुमित, विवाद की असल वजह बिजली चोरी है। बिजली चोरी को लेकर दो पक्ष आमने सामने हुए, दोनों पक्ष आमने सामने हुए और लगातार ये विवाद बढ़ता गया और जो ट्रांसफार्मर फूक गया बिजली चोरी के चलते। दोनों पक्षों में जब विवाद हुआ तो उसके बाद में अम्बेडकर जयंती के दिन दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के टेंट में आग लगा दी, माहौल बहुत खराब हो गया। पुलिस को मामला संभालना पड़ा, पुलिस तैनात करनी पड़ी और उसके बावजूद लगातार अब स्थितियां लगातार विवाद की बनी हुई है। इसके बाद एक पक्ष ने थाने पर जाकर अपना पड़ाव डाला और अब फिर लगातार विवाद बना हुआ है। अब स्थिति यह है कि एक पक्ष ने वहां से गाँव से पलायन शुरू कर दिया है और ये कलेक्ट्रेट की तरफ अपना पूरा सामान लेकर भारी संख्या में रवाना हो गए पैदल ही गांव से। सहगांव का पूरा मामला है, कुमेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहाँ भारी पुलिस जाप्ता और पुलिस के आला अफसर पूरे मामले को समझाने की लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि भरतपुर जिले में दो तीन घटनाएं इस तरह की हुई है, चाहे वो बैलपुर चूरा रूपपास में हुई हो, चाहे यहाँ कुमेर में सहगांव के अंदर हुई हो। कहीं ना कहीं जो निचले स्तर के जो कर्मचारी है उनके द्वारा आला प्रशासन को पूरा फीडबैक नहीं दिया गया और इस वजह से घटना सामने आई है। जी, अभी क्या कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, जिस तरीके से कोशिश हो रही है समझाने की और साथ ही जब पूरा वहां से समुदाय जो है वो पलायन कर रहा है, किस ओर ये तमाम लोग बढ़ रहे हैं? देखिए, ये सभी लोग जिला कलेक्ट्रेट पर आकर अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। इन लोगों को इस पूरे मामले में अब सियासत भी होने लगी है। जो भीम आर्मी है वो लगातार इस पूरे मामले को तूल दे रही है, लगातार भीम आर्मी के जो लोग हैं वो पूरे मामले को तूल देने में लगे हुए हैं और लगातार पुलिस और प्रशासन की कहीं ना कहीं कोशिश है कि चीजें सही हो। पुलिस प्रशासन ने बीच में जब समझाने की कोशिश की गई तो पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। कहीं ना कहीं विरोध बहुत उच्च स्तर का है। अब क्या वजह रही, क्या कारण रहे, क्यों इतनी विवाद बढ़ता जा रहा है, लगातार समझाने के बाद कुछ चीजें नहीं हो पा रही है। हालांकि जो क्षेत्रीय विधायक है और पर्यटन मंत्री है विश्वेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि लगातार सभी लोग आपस सामाजिक सद्भाव से रहे। उन्होंने अपने लोगों को मैसेज भी किया, लगातार वो फीडबैक भी ले रहे हैं। उन्होंने दोनों ही समुदायों के लोगों से बात की है कि यहाँ इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, आपस में प्रेम और सौहार्द से रहना चाहिए। अब कितनी कामयाबी मिल पाती है, लेकिन पुलिस और प्रशासन के आला अफसर लगातार समझाइश में लगे हुए हैं। चलिए देवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। रामलाल शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। रामलाल जी, अगर ये स्थिति आ जाए कि एक गांव के अंदर दो समुदायों के बीच में विवाद हो और वहां से पलायन करना पड़ जाए, यह हालात क्यों बन रहे हैं? देखिए, राजस्थान के अंदर ये हालात अभी से नहीं है, पिछले दो तीन साल से अगर हम देखें तो पहले मालपुरा के अंदर इसी तरीके से लोगों ने पलायन करने की तख्तियां लगाई थी, अपनी संपत्ति बेचान करने के बोर्ड लगाए थे। उसके बाद के अंदर करौली घटना के बाद में भी लोग पलायन करना शुरू कर गए और भरतपुर के अंदर भी जिस तरीके छोटे छोटे कस्बों के अंदर भी लोग कलेक्ट्री के अंदर पहुंचे कि साहब हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, नहीं तो हमारी संपत्तियों को हम छोड़ के और हम दूसरी जगह जाने के ऊपर मजबूर है। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को एक प्रोत्साहन करना है कि जो गुनहगार है, जो दोषी है या इस तरीके का करते करते हैं कि दूसरे लोगों के मन में भय पैदा हो, डर पैदा हो और वो अपनी संपत्तियों को छोड़ के दूसरी जगह चले जाए, तो ये तो सरकार को देखना चाहिए। गंभीरता से संबंधित जो प्रशासनिक अधिकारी लग रहे हैं उनको ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाना चाहिए जिससे लोग को प्लान करने की आवश्यकता नहीं पड़े। रामलाल जी, जिस तरीके जब ये पूरा विवाद हुआ जिस तरीके से, उसके बाद जिस तरीके कदम उठाए जाने चाहिए थे जिससे पूरा मामला सॉर्ट आउट होता, उसमें कहीं ना कहीं विफलता नजर आती है? लेकिन निश्चित रूप से सरकार की विफलता है और सरकार की विफलता नहीं, हम तो शुरू से कहते आए कि सरकार सिर्फ राजनीतिक चश्मे के आधार के ऊपर शासन के तंत्र का संचालन कर रही है। तुष्टिकरण की राजनीति के आधार पे, वोट बैंक की राजनीति उनके खराब नहीं हो इस आधार पे चलती है। जयपुर के अंदर, शास्त्री नगर के अंदर समुदाय विशेष के लोग शांतिपूर्वक
मकानों में निवास करने वाले लोगों के अंदर पत्थर फेंकने का काम करे, गाड़ियों के शीशे तोड़ने का काम करे, उपद्रव मचाने का काम करे, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करे। आज करौली के अंदर जो मुख्य आरोपी है वो फरार है, सरकार उनको पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं कानून में से भी लोगों का विश्वास उठ रहा है। आप लोग कुछ करेंगे अब इस पूरे प्रकरण को लेकर? ये तो उचित नहीं ठहराया जा सकता कि एक पक्ष के लोग वहां से पलायन कर जाएं, उन्हें अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ जाए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन ऐसे लोगों के बीच में जाएगा भी, उनकी सारी बात सुनेगा भी। और जो हमारा प्रतिपक्ष का धर्म है उस धर्म के अलावा भी अगर पार्टी स्तर के पार जाकर भी कोई मदद की अपेक्षा और उम्मीद हमारे से है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मदद करेगी। आपके पास कोई जानकारी इस पूरे मामले को लेकर या जो इससे पीड़ित है इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों के पास कोई जानकारी पहुंची है कि आखिर ये हालात क्यों बन गए कि लोग वहां से मजबूर हो गए वहां जाने के लिए? देखिए एक के बाद एक घटनाएं राजस्थान के अंदर ऐसी हुई है तो योजनाबद्ध तरीके से सुनियोजित तरीके से उनको अंजाम देने की कार्रवाई की जा रही है और एक डर और पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसों के खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। हम बार बार कह रहे थे कि करौली तो हमारा डेलीगेशन गया था, उस समय हमारे डेलीगेशन के सामने 14 अधिकारियों ने आके कहा साहब योजनाबद्ध तरीके से शांतिपूर्वक निकलने वाली रैली के ऊपर पत्थर फेंके और उसके बाद में हमारी दुकानों को लूटा गया और उनको फिर आगजनी की गई। तो योजनाबद्ध तरीके से इस तरीके से घटना को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई नहीं होती है तो लोगों के पास एकमात्र विकल्प ये बचता है कि वो या तो गांव छोड़ कर लें और इसे उन चीजों को सहन करने की आदत डाल लें। चलिए बहुत शुक्रिया रामलाल जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। देवेंद्र मेरे सहयोगी यहाँ पर जानकारी दे रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्थिति जो है वो तनाव के बाद ये बन चुकी है कि दो समुदाय में से एक समुदाय जो है वो हाथों में तख्तियां लेकर पलायन कर रहा है, समझाइश की कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि जिस तरीके से लगातार स्थितियां बिगड़ रही हैं सरकार पूरी तरीके से कानून व्यवस्था बनाने में विफल है। तो चलिए फिलहाल इतना ही, खबरें जा रही हैं।